ये देखिए क्रेजी फैम, मेरी माता रानी को मैंने कपड़े बदल दिए जो उस दिन लेके आई थी। पहला मैंने पिंक पहनाया, अगला मैं पहनाऊंगी ब्लू। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दिन शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छी सुबह है, सुहानी सुबह है, क्योंकि आज है पहला नवरात्रा। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। अभी सारा रेडी होगी, अभी बच्चे उठे हैं, बच्चे रेडी होंगे। माता रानी को जैसे आपने क्लिप देखी ली होगी उनके, मैंने सुबह सुबह मंदिर साफ कर दिया। सुबह सुबह नहीं, हमारी सुबह चलो ऐसे। तो आज मेरा फास्ट है, मेरा फास्ट सारे फास्ट रखते हैं मिस्ट्री मैन और मैं, और बड़ा सात्विक भोजन रहेगा, कुछ खाने में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो अब जो करेंगे आपको दिखाएंगे। आज वहाँ कुणाल का जो उसके कजन की मैरिज है वो भी है आज, कुणाल को वहाँ भी जाना है बट अभी आएगा। और जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको, बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। शौरू की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, शौरे हेलो कर दो। हेलो। और हैप्पी नवरात्रि बोल दो सबको। हैप्पी नवरात्रि। और ये देखिए जो ब्लाइंड्स उतरे थे ना आज घर में, ब्लाइंड्स लग जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो रही थी है ना, सुबह नींद खुल जाती थी ना। नींद मेरी गेम नहीं खेल पाता था, टीवी पे धूप आती थी है ना, डिस्ट्रैक्शन। ये देखिए सारे ब्लाइंड्स उतर गए थे ना, सुबह सुबह नींद खुल जाती थी इसकी वजह से ना, इतनी रोशनी आ जाती थी कि नींद खुल जाती थी। अब आज वो भैया आए हुए हैं तो लगाएंगे, ड्राइंग रूम लगा रहे हैं, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर शांति हो जाएगी। दो दिन तो कम से कम बच्चों के स्कूल खुलने तक सो पाएंगे ना। राजेश भैया से वर्क का सामान मंगवा लिया था, देखो कितना सारा ले आए। इतना सारा क्यों ले आए भैया? और हेलो कर दो क्रेजी फैम को। तो इतना सारा क्यों लाए हो? ऐसे ही ले आ रहा हूँ, ये पूरे मोहल्ले को खिलाना है क्या? क्या बना रहे हो मम्मा? तोरी। यार दूध उबल रहा है और यहाँ क्या बन रहा है? आलू उबल रहे हैं। तुम्हें तोरी मिलेगी आज दोपहर को, तोरी है खाने में। मम्मा नहीं ऐसे मत करो, रातों में यही खा, तोरी ही बन रही है। इतनी ज्यादा चीजें होती है, आलू की परौंठी हो गई, आलू की परौंठी हो गई, आलू की परौंठी हो गई, आलू की परौंठी हो गई। सना क्या कर रही है? कुकिंग कुछ तो बना रही हूँ। क्या बना रही है? तोरी। मुक्ति सना बना रही है? हाँ जी हाँ जी। दादी के लिए। अच्छा है, दादी के लिए तोरी बना रही है। मैंने तो बनाई बड़े पापा के लिए। मम्मी खाती है सूखी हुई? बनायू का मतलब पहले बता दूं, मुक्ति आंटी ने संभाल दिया मिक्स मैं कर दी। कुणाल कैसा है? आओगे? हल्दी लग गई वहाँ पे? हल्दी लग गई? चुपचाप आया हूं, अभी थोड़ी शादी हुई थी। शाम को तो तूने शादी पे जाना है? हां मेरे तो पूरा हुआ है। तो फिर क्या? मैंने बना रखा मस्त। बना रखा मस्त? नहीं तू मुझे बता, कल किसको भूचाल का पता चला? अर्थक्वेक का कल पता चला? मेरी तो किस्मत खराब है, क्यों पता ही नहीं चला। और तू तो मैं 5.5 और 6.5 और मैं तब ना घर नहीं थी। मैंने प्रेडिक्ट भी करा था जो मैंने पहले बताया था। मैंने वही चीज तनिष्का को बताई थी, मैंने तुम लोगों को बताया था। और के बाद तनिष्का और मैं ब्लॉग में भी बोला तुझे। मैं बात बताऊं, शकुरपुर में कहते हैं बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, उससे बंदे निकाले, ऐसे टिल्ट हो गई है। ये कल मैंने उसमें न्यूज में देखा है। क्या कर रहा है जिसने बताया? और क्रेजी फैम कमेंट करके बताइए किस किस को फील हुआ था अर्थक्वेक। थोड़ी सी क्लिप बना ला हमारे लिए। ओके क्रेजी फैम, जैसा कि आपको पता है नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। अब बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल है, जो चटोरे बच्चे हैं। अब मैंने आज ये कल बनाई थी ना पीली वाली दाल, इसमें ना लहसुन है ना प्याज है, तो इसका मैंने गूंथ दिया आटा, क्योंकि बाकी मम्मी और भैया के लिए बनी है तोरी। मिस्ट्री मैन और मेरा फास्ट है, ये बच्चे एक खुशी से खा लेंगे। ये खिलाऊंगी और इन रातों में जो जो इनको खिलाऊंगी ना, क्योंकि ऐसा सिंपल कुछ नहीं खाते, खाएंगे टेस्ट का ही, बट उसमें मेरे को इनोवेशन करनी पड़ती है कि इन रातों में कैसे उसको। मास्टर शेफ चल रहे जो क्या, कोई बात नहीं, अभी मुझे प्लेट चाहिए। यहाँ बच्चे कर रहे हैं लंच। कैसी लगी ये देखो कल वाला पुलाव, इनको इतना अच्छा लग गया। ये मैंने बिना अनियन के वैसे ही बनाया था, बना दूंगी ये नवरात्रों में एक बार और बना दूंगी। और चने की दाल की खिचड़ी वो भी बिना अनियन के बन। ये जा रहा है अचार, अचार के बिना और चटनी के बिना। और चटनी भी बन गई आपकी नवरात्रों वाली? ये आए मेरा बच्चा हर चीज़ में। अनियन का टेस्ट फर्क पता चल रहा है, पर फिर भी अच्छी तो लग रही होगी ना। और ये देखो हमारे ब्लाइंड्स लग गए, कितना खाली खाली लग रहा था ना घर। अब चैन की, अब दो दिन तो कम से कम चैन की नींद सोएंगे। A few moments later. नहीं तू फिर आ गया, इसका दिल थोड़ी लग रहा है क्रेजी फैम को छोड़ के। ये करना जरूरी है, जरूरी तेरा दिल भी नहीं लग रहा होगा व्लॉग देने हैं तो, पर तेरा और ये देख ये होती है कमिटमेंट। नहीं ये बुआ लाई थी, तुम लोगों ने खोला ही नहीं। ये मैं भी फ्रिज में देख के आया और टूटो तुझे मैं गांव से तो बीड़ी लाई थी, कब आई थी? अच्छा ये तो तब तुझे भी, हां मैंने तो खत्म कर दिया था। चाची को सही चीजें मिल गई। चाची कैन तो दे दो अपने लिए। मैंने वर्त रखा हुआ, ये ले लो कैन। अब तो ये कर्टेन लग गए, बंद कर लो फिर। हाँ सर बंद कर दो।
आज अच्छा भी मना करके गया क्योंकि ना अच्छा। अभी ना अडैप्टर्स नहीं लगे ना और मैंने कल बढ़िया शॉर्ट फॉर्म्स ढूंढ लिया और तुमने जान बूझ के ढूंढी ताकि तुम मुझे हरा शॉर्ट फॉर्म और मुझे अरे जो आजकल छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म चलती है उसका फुल फॉर्म बतानी है हाँ ठीक है जान बूझ के ये तो जो साजिश है मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी मैं बोलता जाऊंगा जिसको आता होगा पहले कर देना बोल देना ठीक है चलो टर्न बाय टर्न कर लो चलो ठीक है और अगर जैसे पास होता रहेगा अगर जो भी नहीं करेगा हाँ छोटे से बड़ा चलो ठीक है सना तू भी चेयर लेके बैठ जा पहले सना की बारी FTW फुटवर्क 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पास फ्री टू वॉक नेक्स्ट ट्राई करते जाओ टू वर्क नेक्स्ट फिर से तेरे पास आ गया नहीं ऐसे नहीं हमें नहीं आता तू बता दे चलो हार गए सारे द विन होता है होता आई वाज द क्लोजेस्ट वन तो की बारी OMW OMW देखो पता है क्या ऐसे पूछ रहा हूं ऑन माय विश तो है ऑन विश नहीं है ना ऑन पास ऑन माय वे यस सनाई भाई ऑन माय वे तो मुझे पता था भाई मैं कह तो रहा हूं कि ऐसे थोड़ी कि आपको पता ना हो एक ही बारी ये जानबूझ के वही रहा है जो हमें पता ही नहीं है AKA वो मेरे को पता है अब सना की आएगी अगली बारी 10 AKR पता नहीं शौर्य AKA स्मार्टी 9 तो अब दिमाग लगाओ कुछ 7 6 5 वो अदर नेम होता है वो निकला है एनोनिमस 3 मैं बोलूं 2 1 पास आल्सो नोन एज यस सना इज राइट सना ना फोन पे ही लगी रहती है इसे सब तभी देखो हम दोनों को नहीं ऐसा कुछ नहीं होता AKA जस्ट रीडिंग वेल डन इजी मेरे से भी इजी अच्छा चाची से चलो ठीक है अब इससे इजी कुछ नहीं होगा डीएम डायरेक्ट मैसेज वेरी गुड वेरी गुड वेल डन तीनों से इजी हो गया दोनों से पूछ लिया अच्छा शौर्य से शौर्य का देखो ये नहीं आएगा तो तेरे पे लाना था योलो अगर ये नहीं बोल शौर्य शक्ल दे योलो टेन नहीं पता नहीं पता पास वेरी गुड ये मेरी जनरेशन का लगता है आपको पता था एटीएम हाँ एटीएम मेरे को नो चलो आपके ऊपर ऑल टाइम मशीन चलो हो चुका आप मत बोल दियो ऑल टाइम मशीन गलत ऑटोमेटिक टाइम मशीन गलत टाइम मशीन चलो एटीएम यार आप लोगों के ऊपर गलत चाची क्या हो गया तेरी सबके बाद 10 9 8 7 6 5 ऑटोमेटेड मशीन पास हो लेकिन पूरा ढंग से नहीं बोल रहे ऑटोमेटेड टाइम मशीन ऑटोमेटेड मनी मशीन खत्म एटीएम ऑटोमेटेड मनी क्रॉस ऑटोमेटेड टेलर मशीन टेलर नहीं बोल रहे नहीं नो 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 क्रेजी मैम कमेंट कर देना चाची गलत थी मैं ठीक थी चलो अब किसकी बारी चाची की बारी है ना एटीएम का मैं बताऊं आज तक फिर इसी धोखे में थी ऑल टाइम मनी एनी टाइम मनी चलो अब चाची की बारी ओ जी ओ गॉड गलत ओ गॉश नहीं छोरा अगर देखो ये भी नहीं बताते तेरे पर लाना ऑन गॉड मैं बताऊं ओरिजिनल आगे ओरिजिनल ओरिजिनल गूगल पे प्रॉपर ये नहीं है प्रॉपर इसकी दूसरी है ओ जी मतलब ओरिजिनल जिनी चलो जी का मतलब सब गलत ओरिजिनल गैंगस्टर ये क्या था चलो 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 अब किसकी बारी है ये मेरी जनरेशन का यार अब शौर्य की बारी है अरे यार मैं भाई बहन निकले हमें तो आप पता चला BRB बी राइट बैक हां चलो सही है सना की बारी अब है सना FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मेरे को इजी चाची बे BAE बिफोर एनीवन एल्स यस कोई दोनों को पता नहीं था देखो सब बी बे बोलते रहते हैं अपने दोस्तों बिफोर एनीवन एल्स की सबसे अलग मेरे को ये है मेरा बे मिस्ट्री मैन चलो अच्छा रोफल ROFL ROFL यार ये क्या है सना तेरे को वो देख चाची को बता उनकी शक्ल से दिख रहा है पास सना बे रजिस्टर ऑफ मनी पास चाची रोल आउट ऑन फ्लोर इन लाफिंग
रोलिंग आउट ऑन फ्लोर इन लाफिंग। चलो सही मानूंगा रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। ठीक है चाची राय की बारी। SMH सुना ही नहीं कभी मैंने। सुना तो है somehow, आप क्यों बातें कर रहे हैं somehow, हम चीटिंग करें चीटिंग जैसे चलो कलर सारे शेकिंग माई हेड। अब चाची की बारी। अच्छा मेरी बारी। HMU गलत सॉरी इसको कुछ नहीं पता को भी नहीं बताओगे ये मेरा सारे गलत सबने बच्चों को मैंने फोन किया। हिट मी अप। हां जी हिट मी अप मतलब ये क्या मतलब है। अरे हिट मी अप मतलब मेरे को लाइट अप कर। चलो चलो बस खत्म इसी के साथ। और मेरे हिसाब से क्लियर विनर है सना ही है। सना या चाची सॉरी तो बिल्कुल भी इनमें से तुम्हें ऐसे लगता है कोई छूट गई है तो वो मेरे से पूछ लो इसमें से। मैं पूछ लो तुम इससे पूछो। एनजीएल नॉट गोना लाइक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। ठीक है चलो जल्दी पूछ मेरे को क्या पता वो ओटीटी ओटीटी। ओ हमने गाड़ी में बबलू के टाइम पे ओटीटी का बताओ नहीं तो तू हार गया। और इसका आटे में मुंह डालो कुछ भी इसकी हल्दी करो यहाँ पे ओटीटी इसको याद था मतलब इसकी मेमोरी शार्प है बाकी हम तीनों की तो पता चली गई होगी आपको। कुछ खाए कोई भी नहीं गया लेकिन क्लास से छोड़ दे रिजल्ट इसको लगा तीन दिन और निकल जाएंगे। चलिए क्रेजी फैम अब हो चुकी है लंच वंच हो चुका है बहुत कुछ कर लिया क्योंकि कुणाल को अब जाना है वापस तो कुणाल अब मारने की जरूरत नहीं है अब आप जाओ और हल्दी की उससे क्योंकि मैं भी हम भी यही बेनिफिट तो होता है कि यार अगर हम जा नहीं रहे मिस तो कर रहे हैं ना यार नहीं होता तो हम अगर नहाते नहीं होते तो मैं कंफर्म जाती मजा आता शादी में। हाँ। पास में ही है ग्रीन लॉन्ज में तो ऐसा करते क्रेजी फैम आप भी आ जाना। अभी मैं ना थोड़ा सा वही वीक भी फील कर रही हूँ मैं फास्ट रखते मुझे थोड़ा सा तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ उसके बाद रात को उनको देखेंगे डिनर क्या खाएंगे। अभी जो नहीं देखते लॉग्स में तो बताऊं सुबह मैंने वो धनिया वाली चाय उसके बाद मैंने काफी देर बाद एप्पल फिर उसके काफी देर बाद मैंने खाया थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ। अभी अभी कुछ नहीं खाया अभी मैं थोड़ी देर और लेटने के बाद उठूंगी तो मैं वाटरमेलन खाऊंगी और 8 बजे के करीब एक चिप्स का पैकेट और कॉफी बस। अब मैं मिलूंगी आपका आपसे जब मैं कॉफी पीऊंगी तब कॉफी बनाते हुए सना। Later that same evening. फिर आ गया? है? तेरा दिल नहीं लग रहा वहाँ पे? अरे नहीं यार। मास्टर शेफ चल रहा है। ये मास्टर शेफ देख रहे हैं। आज तो पूरा लेजी दिन हो गया आपका। बोरिंग। और मैंने फास्ट रखा हुआ ना मेरे को ना मास्टर शेफ हमने शुरू किया हुआ है आप सोचोगे क्रेजी फैम देख लिया था मास्टर शेफ आराम से फिर उसके बाद सना चली भी गई नीचे शौर्य भी चला गया नीचे खेलने अभी आने वाले होंगे और सना ने कॉफी पिलानी है। देखिए यहाँ बन रही है कॉफी सना बढ़िया से बनाई है बेटा। ये बन चुकी है मम्मा की कॉफी साथ में मम्मा ने लिए हैं पीनट और ये पोटैटो वेफर्स। ये है मेरा नराटों का खाना मतलब मैंने व्रत खोल दिया रोज डेली यही करूँगी। अच्छी है बहुत बढ़िया थैंक यू मैंने बनाई है आफ्टर ऑल क्या एक्सपेक्ट करते हो बहुत अच्छी चलो चल खा लूँ। क्रेजी फैम खाने का टाइम हो चुका है और मम्मा आलू बन गए हैं 8:30 बजे कहती आलू बना दो ये देखो इसकी रेसिपी भी डाली है मैंने या मैशन पे भी जाते हैं लेके जाती हूँ ना ये बिना अनियन के होते हैं हाँ जी फिर मास्टर शेफ बचा हुआ देख लेते हैं आपको ओके ओके। चलिए अभी ये दोनों बैठ गए हैं टेस्ट टेस्ट तो बाहर जैसी लग रही है क्या चटनी मुझे लगा आलू की सब्जी कह रहा है इट हर्ट्स शोरे बहुत
चटनी भी बहुत अच्छी है। आलू बता तू सही है। चलो फिर इसी के साथ एंडिंग करते हैं ब्लॉग की। चलो क्रेजी फैम इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पीस। ये देखिए बच्चे ना अंदर गा रहे हैं, सुनाई दे रहा आपको। ये देख लो कपल और शादी का खाना।